हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के ब्लॉग में हमारा प्रोग्राम जो है सफारी पार्क का बन चुका है, जो कि हमारे यहीं पर 3 मिनट का रास्ता है। बाहर कोई पबजी खेल रहे हैं हमारा कजन। तो आज के ब्लॉग में आप देख सकते हैं, जैसे कि साउथ भाई जो कि कल रात को आए हुए थे यहाँ पर, हमारे को सरप्राइज दिया इन्होंने। तो कल तो वीडियो कैप्चर कर नहीं पाए थे, तो हमने सुबह बोला था ब्लॉग स्टार्ट करेंगे। तो जब ये आए तभी हमने आज प्रोग्राम बनाया कि हम जाएंगे कहाँ पे, सफारी पार्क जो कि बिल्कुल ही करीब है हमारे। हमने सुना वो बड़ा जबरदस्त तरीके से बनाया हुआ है, हम सोच रहे थे विजिट करेंगे वहाँ पर जाके। तैयार होके मिलते हैं आपसे, खाना वगैरह खा के फिर निकलते हैं सफारी पार्क के लिए। अच्छा, आपको बताना तो भूल ही गए कि आपकी भाभी बिल्कुल भी इस ब्लॉग में नहीं होंगी, क्योंकि वो जो है उनकी तबीयत ख़राब है, तो इस वजह से वो आज नहीं आएंगे हमारे साथ। हम लड़के ही जाएंगे, मैं और सऊद। खैर, फिलहाल खाना खाते हैं और उसके बाद तैयार होते हैं, फिर निकलते हैं सफारी पार्क की तरफ। तो हम यहाँ किचन में आए हुए हैं, माशाल्लाह से अम्मी चावल बना रही हैं। मच्छी बनाने का है, अम्मी बिरयानी बना रही है मेहमानों के लिए, जो कि हरी में मर्दो मत का कर। तबीयत खराब है, ये नींद से उठी है। और क्या क्या कहें आपके इंट्रो में, तो ये हमारा खाना आ चुका है, जो कि आपकी भाभी हमारे लिए खाना निकाल रही है, बिरयानी बनाई हुई है अम्मी ने। वैसे तो आपके भाई को भी तो टाइम देना पड़ता है ना यार, आपके भाई आए हुए हैं, ये सॉरी मतीन भाई हैं, जो कि किसी के रंग पे लगते हैं। किसके रंग पे लगते हैं बताना नहीं है वो। तो हम खाना वगैरह खा चुके हैं और हम निकल रहे हैं अपने लोकेशन के तरफ, देखते हैं वहाँ पर क्या माहौल है, मिलते हैं पार्क में। आखिरकार हम लोगों ने बहुत मुश्किल से सिफारिशें की हैं, यहाँ वहाँ पर्चियाँ चलाई हैं, तो इसका मतलब महमूद की बात चल गई। शुक्र है, ये लोग तो कह रहे थे चलते हैं वापस घर। नहीं बाबा, ऐसा नहीं करना, इतने भले दूर नहीं है, 5 मिनट के सफर से हम लोग यहाँ पहुँचे, लेकिन आए तो हैं ना, तो अभी अंदर आए तो लाजम। अब जब अंदर आ चुके हैं तो सीधे तरीके से अंदर आएंगे, एंजॉय करके ही जाएंगे। वाकई वैसे भाई चीज़ें तो बहुत सारी नई नई आई हुई हैं। मेरे आंगूर अबे भाई आंगूर। जाकिर भाई क्या हाल चाल, कैसे हैं आप? ठीक है आप? तो आप यहाँ आए हुए हैं बहुत सारी झूले वगैरह लेने, और यहाँ पर हमारे दोस्त भी वर्कर हैं हमारे, यहाँ पर काम करते हैं माशाल्लाह से। साउथ भाई तो बिल्कुल हमारे को इग्नोर कर रहे हैं, अभी हम ये ट्राई करेंगे, देखते हैं ये कैसा होता है हमारे ऊपर। साउथ भाई आप तो बिल्कुल इग्नोर कर रहे हो हमारे को। ज़िपलाइन वो रहा पीछे, बस ये डन करते हैं मेरे ख्याल में, फिर ज़िपलाइन लेते हैं। मैं चाहता हूँ मैं पहले ये लूँ। मतीन भाई आप ट्राई करोगे ये? चलो मतीन भी करेगा। मतीन ये थोड़ा शर्मीला लड़का है। ओ देखो बच्चे को, महमूद जाएगा अभी अंदर, ये पकड़ो। महमूद रेडी हो आप? बिल्कुल बिल्कुल एकदम। फुल जंप हुआ रहा हो, कोशिश करो। हाँ महमूद, वाह महमूद। सीधा सीधा जाम पाओ सर, मैं उड़ा तरह नीक लग गया। तेरा नंबर है अब, महमूद से रिव्यू लेते हैं। जी महमूद भाई, थक गया मैं बिल्कुल ही यार, आप थोड़ा सा बच गए, ये आपके मुंह के अंदर घुस जाता। शुक्र है मुंह के अंदर घुस जाता, कोई और सिस्टम होने वाला था, बच गया मैं। इतना क्यों झूल रहे थे? हाँ यार, थका देता, ये बिल्कुल टाइट कर देता जिस्म को। हाँ लेकिन बहुत अच्छा है। अब मतीन की बारी है, देखते हैं मतीन कहाँ तक जाता है। पर मैं सोच रहा था तुम बहुत ज्यादा ऊपर जाओगे, पर इतना ऊपर नहीं गए यार। नहीं होता भाई, जोर लगता है। हाँ चलो शूज पहनो, अब मतीन को देखते हैं। आओ 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 आओ, पता पता बस का।
बहुत बुरी तरीके से मैं थक चुका हूँ। आप सुनो, यहाँ पे मेनू की जान पहचान है, दोस्त यार है, तो हमें लाइन पे खड़ा होना नहीं पड़ रहा है। नहीं, इस लाइन पे एक लिफ्ट में कितने लोग बैठेंगे? एक लिफ्ट में एक दफा एक जाएगा, वो उस तरह से जब तक निकलेगा वो वहाँ पहुँचेगा, फिर दूसरा निकलेगा। बिल्कुल सेफ्टी के साथ है, कोई मुश्किल नहीं है। मतलब एक लाइन पे पहले एक जाएगा, वो वहाँ पर उतरेगा, फिर यहाँ से दूसरा जाएगा। क्या लिफ्ट है ना, लिफ्ट पे दो लोग नहीं बैठेंगे? हाँ हाँ, दो लोग बैठेंगे, फिर मतीन तीसरा भी बैठेगा। अलग अलग लाइन 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 टू लाइन जाएंगे भाई जान। आगे महमूद भाई यहाँ पे रेडी होते हुए, और ये वेक्टर भी तैयार हो चुका है। पहला भैया मतीन तो रवे, पहला तो रवे, पहले मतीन जाएगा। अस्सलाम वालेकुम भाई, थर्ड बराबर अल्हम्दुलिल्लाह। क्या जमात पढ़ने आए हो क्या? बिस्मिल्लाह करो। ना ना मुश्किल नहीं भाई, करो मतीन दिल लग रही थे ना। ओए होए, क्या नजारा है यार, क्या नजारा है। मन आखिरी जा रहा हूँ, मन आ रहा हूँ तो पे तुम रहो। वन मतीन, सऊद भाई तुम जाओगे, अगली तुम्हारी बारी है। नहीं नहीं, नू तई बारी है। और वहाँ पर बिल्कुल सीन हो गया, वो आधे रास्ते पर रुक गई है, किनारे पे झूल रहा है। हाँ, हवा की वजह से। कोई मुश्किल नहीं है, मैं तो कहता हूँ जंप मार दे ये पानी के अंदर, पे थोड़ा सा तैर के चला जाए। सारा काम रस्सी तोड़ी करेगा यार। ख्याल में हम लोग टावर में खड़े हुए, बस M24 का कमी है। लेवल 1 का हेलमेट है, लेवल 2 का हेलमेट है, वेस्ट भी लेवल 3 का पहना हुआ है। ठीक है, लेवल 3 का मेरा तो बिल्कुल ब्लू वाला वेस्ट है मेरा। तो ये इसका बारी आ चुका है, कहीं से पकड़ के जाओ बस। 1 2 3 ये भी गया परदेसी। अभी मेरा नंबर है, अभी अपना नंबर है, अपने बारे में पता नहीं क्या सिस्टम होगा, बस बीच में ना रुक जाऊँ। बिल्कुल ख्याल से धक्का सही से दे रहा हूँ ऊपर के। भाई सुनैन बलूचा बेचारा भाई, तुम्हारा जून लग गए। बहुत मजा आया, बहुत मजा आया भाई। तेरे को क्या मजा आया, तू तो फंस गया बीच में। भूल गए थे मेरे को खींचने में, आप बीच में फंस गया। रस्सी भूल गया था, असल तेरा वजन बहुत हल्का है ना, तू उधर का रहा ना उधर का। डर रहा था मेरे को कहीं नीचे से मछली पकड़ दे। अभी हम रैंक पुश कर रहे हैं पैदल, बिल्कुल लेवे चल रहा है। मोबाइल लेके जा। नहीं नहीं, रुक जाओ रुक जाओ, मत ले मत, क्यों दिन गिरा रहा है। तो अभी अभी हम आए हैं कैंटीन पे, बोतल शोतल पियेंगे और फिर देखते हैं क्या करते हैं, कोई और झूला वगैरह कोई। मैं तो बड़े टाइम बाद आया हूँ, मुझे मालूम नहीं यहाँ पर और क्या क्या कुछ है, तो जाएंगे देखेंगे फिर आपको बताएंगे क्या करते हैं आगे। अरे भाई शुक्रिया, ये भाई हमारे स्कूल फ्रेंड काशी है, उनके छोटे भाई हैं, माशाल्लाह से हमारे को बोतल। काशी भाई शुक्रिया, आपके माई ने हमारे को बोतल पिलाया। तो सऊद भाई बहुत जिद कर रहे थे यहाँ पर आने का, डायनासोर वाले एरिए पे ये खुद जिद कर रहा था कि ये इसका आवाज़ मार रहा है। देखो इनके यहाँ पर डेट भी लिखे हुए हैं कि मतलब ये किस सन में पैदा हुए हैं, किस सन में इनका खात्मा हुआ है। साहब बड़े वाले को चेक करो, इसके दांत गंदे हो रहे हैं, लेकिन इसका कौन सा अम्मी इसको ब्रश करवाती होगी। ये लड़का है लड़की है? ये लड़की है, हाथ छोटे हैं ना। लड़की है ये लंबे वाले को।
वैसे वाकई बिल्कुल जुरैसिक वर्ल्ड वाला मतलब फीलिंग्स आ रहे हैं जैसे मूवियों में हम देखते थे। अब मतीन को अंडे में बिठाना है, मैं बता रहा हूँ पीछे डायनासोर का अंडा जिसमें मतीन बिल्कुल इजीली आ सकता है। यार ये कौवा चिल्ला रहा है, ये कौवा क्या है? अच्छा वो तू मर गया वरना तो हमारा सुबह नींद खराब हो जाता। अच्छा साउंड अगर ये रियल में सिद्धा होता तो तू क्या करता? मैं आता ही नहीं इधर। मतलब बस हम आ गए और अचानक की पैरेलल वर्ल्ड वो होता है ना, अगर वो वाला सिस्टम हो जाता जिंदा हो जाता जिंदा होता ऐसे में बात कर रहे देखो हमारे पाकिस्तानियों का काम, ये बेचारा यहाँ पर लोगों को एंटरटेन करता है, चिल्लाता है, मुंह खोलने के लिए साउंड निकालता है और इसके मुंह में केक डाल दिए किसी ने। मतलब लड़कों के लिहाज से मतलब उस तरीके से तफरीश वो मतलब सिस्टम नहीं है, ये बच्चों के लिए है। हाँ फैमिली के लिए बच्चों के लिए बहुत ज़बरदस्त है। वैसे तो हमें भी इसलिए अलाउ शायद नहीं कर रहे थे कि आप मत आओ इसलिए शायद मना कर रहे थे, लेकिन हम आ गए जैसे तैसे करके पर्ची शर्ची करा के आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी तो चाहिए चले गुजारा नहीं यार, मैं तो यही कहूँगा कि चलो घर आते हैं पहले उसके बाद घर चलते। इसको मैं जब भी जब पूछ दूँ कि मतलब कहाँ जाना है बोलते घर जाना है, कहाँ जाना है घर जाना है। आपको जल्दी कहीं जा रहे हो? अरे नहीं यार अभी सीधे रोड पे क्या घूमोगे, जरा दिखाओ लोगों को, देखो क्या इधर घूमना है तुमने सीधे रोड पे। कितना मतलब नज़ारे वजन करवाए, कितना वजन है वजन करवाते आप? अच्छा है बिल्कुल सही है। मैं इसको कितना दूंगा? 70। मेरा 70? हाँ। क्या है मैं इतना मोटा हूँ? चलो बिस्मिल्लाह। हाँ बेटा 65 पे आ गया। 65 है मतलब मेरा कितना होगा? मैं कह दो तेरा 45। पैंतालीस अब आपका मैं नहीं करूँगा। क्या ना भाई मैं नहीं कर रहा। चलो यार हम चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। और दोस्त मिल रहे हैं भाई यहाँ पर, तो सारे घूम रहे हैं। ये फोर्सफुली हमें कह रहा है चलो घर, ये थक चुका है, ये घूम फिर के थक चुका है। पर्सनली झूले हमारे को 2-3 मिले तकरीबन। मैं एक शर्त पे नहीं हूँ, मतीन को इस बाइक पे बिठाओ। कौन सा बाइक था ये? नहीं बाबा मतीन नहीं बस हम निकल रहे हैं अभी, क्योंकि हमारे तरीके के मतलब झूले जो वो होते हैं ना वो नहीं है, बच्चों के झूले, नज़ारे भी बच्चों के हैं। हाँ सिस्टम बहुत सारे समझ रहे हो ना, मतलब क्या नहीं ये ब्लॉग घर पे भी चलेगा। अरे सिस्टम मैंने और किस्म से सिस्टम बोल रहा है यार। सिस्टम मतलब क्या बोलो ना, खुल के डायनासोर 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 सोल नेम सोर जो भी है ना वो बड़े मुंह वाला है। बड़े मुंह वाला डायनासोर। हाँ भाई बाहर निकल ही रहे थे तो हमारे को यहाँ पर तीरंदाजी करने का मौका मिला है, तो हमने कहा ट्राई कर लेते हैं। क्या नाम है इस क्लब का? बोल रहे हैं एक टारगेट करने पे फ्री इनाम हासिल करें, ये फरारी मतीन को दी जाएगी। ये फरारी मतीन को दी जाएगी जी। चलो हम भी ट्राई करते हैं, यहाँ पर लोग ट्राई कर रहे हैं। यार मैंने एक शॉट मैंने बिल्कुल जबरदस्त परफेक्ट मारा, लेकिन अगर एक और मार देता तो बड़ी वाली फरारी मिल जाती गिफ्ट पे। चलो अभी हम पक्का निकल रहे घर की साइड पे, मिलते हैं घर पे। तो माशाल्लाह से बिल्कुल आप देख सकते हैं पट्टा हो रहा है, रोड वोड जाम हो गया सारा। इधर बाइक अब इधर बाइक अब इधर आ बच्चा बच्चा चिक्की 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 पट्टा हो रहा है यार, पट्टा हो गया यार। नहीं नहीं खैर है चाचू खैर है, निकलते हैं यार। पट्टा बड़ा जबरदस्त है यार, चिया चार गए ना अब पट्टा है। चलो यार हम निकलते हैं, चलो चलो। तो फाइनली हम घर पहुंच चुके हैं, थक गए अभी। तो आरिम की तबीयत का हमने पूछा, वो अभी थोड़ी सी बेहतर है, अभी अभी वो भी नींद से उठी है। तो उन्होंने खुद ही फोर्स किया था कि जाएं आप ब्लॉग बनेंगे, कमेंट्स बहुत सारे आ रहे थे कि ब्लॉग्स का इंतज़ार हो रहा है। साउथ वैसे भी आया हुआ था, मैंने चलते हैं कहीं बाहर ब्लॉग्स बनाते हैं, उम्मीद करते हैं आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही, वीडियो पसंद आई तो लाइक कॉमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन का बटन जरूर दबाना, आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पर।